दोस्तों, सर्बकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी दे वल्लों तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ। तुहाडी मुलाकात एक ऐसी हस्ती दे नाल करवाण लगे हाँ जिहड़े कि कैलगरी नॉर्थ ईस्ट दे MLA ने और साडे कम्यूनिटी एंड सोशल सर्विसिज दे मिनिस्टर ने, नन अदर दैन राजन सानी साहिबा। और अज इन्हां दे नाल असीं एक बड़े इनफॉर्मल जे दोस्ताना माहौल दे विच गुफ्तगू करांगे, कुछ इन्हां दे ख्यालात सुणांगे, कुछ इन्हां नूं सवाल करांगे और इन्हां तो अज दे हालात, अज दे जो मामला चल रहे ने उन्हां दे बारे इन्हां दी ओपीनियन भी लांगे। जी मिनिस्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया तुसी अज सानू वक्त दिता और अपने वैल्यूएबल टाइम विचो साडे नाल कुछ टाइम शेयर करोगे। मैं तुहानू इस अपने अज दे प्रोग्राम विच वेलकम करांगा। वेल थैंक यू शकील साहब, बड़ी खुशी हो रही है मैनू, मैं तुहानू अज पहली वारी मिल रही हाँ, सो बड़ा अच्छा मौका हैगा एंड जरूर मैं अज काफ़ी कुछ बारे गल करना चाहनी हैगी हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। असी तुहाडे कोलों काफ़ी कुछ बारे सुनना भी चाहते हैं ते आई एम श्योर साडे व्यूअर्स जिहड़े ने दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। मैं कोशिश करांगा कि जिहड़े इस वेले दे बड़े बर्निंग इशूज है ने वो तुहाडे कोलों उन्हां दे बारे फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज मिनिस्टर ऑल्सो, उन्हां ते तुसीं अगर कुछ रोशनी पाओ। साडे व्यूअर्स नूं थोड़ा बहुता मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि थोड़ा बहुता अपने बारे दसो पहले, बिकॉज जिस तरह मैं शुरू च किया है एक इनफॉर्मल जी अज तुहाडे नाल गुफ्तगू है, थोड़ा बहुता अपने बारे दसो फिर अपनी मिनिस्ट्री और अपने रोल दे बारे काइंडली सानू दसो। नहीं अच्छा लग रहा, मैं अपने बारे जरूर दसांगी क्योंकि साल तो हो चुका सिंस आई बीन इलेक्टेड, पर हजे भी मैनू कई बार लगता है शायद कि मेंबर्स ऑफ द पब्लिक मैनू जानते नहीं है, दे डोंट नो हू इज़ राजन सानी। सो अपने बारे में कह सकती हूँ दैट वाज बोर्न एंड रेज्ड हियर इन कैलगरी। मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रही थी पॉलिटिक्स तो पहला, एंड पॉलिटिक्स में आने वास्ते मेरा अचानक ही कोई प्लान नहीं सी, कोई ख्याल नहीं सी, पर मैनू इकोनमी बारे फिक्र सी, सो इस करके मैं थोड़ा जिहा सोचा क्यों नहीं मैं अपना नाम विच पावां फॉर द नॉमीनेशन, सो दैट्स हाउ आई गॉट इनवॉल्वड इन पॉलिटिक्स। बाकी आई हैव बीन मैरिड फॉर 27 साल हो चुके हैं, मैंने थोड़ा जिहा सोचना पिया सी, एंड मेरे चार बच्चे हैगे हैं, मेरी वड्डी बेटी इज एन इंजीनियर एंड नंबर 2 14 सालों की है एंड मेरे ट्विन्स हैगे ने 10 सालों के हैगे हैं। And so this is about me personally and baki I'm the MLA for Calgary Northeast and a minister of community and social services hon meri ministry je usse bare si gal kariye kafi lambi chodi gal bahut ho jayegi par my ministry todi ministry da scope sorry for interjecting but todi ministry da scope bahut vadda hai बहुत ही वड्डा है जी। असीं होमलेस सपोर्ट्स भी फंड करदे हैगे हां, डोमेस्टिक वायलेंस सपोर्ट्स मतलब वुमेन्स शेल्टर्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट सेंटर्स, डिसेबिलिटी फाइल भी काफ़ी वड्डी है, वी हैव द एज प्रोग्राम PDD FSCD एंड इनकम सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। हाँ जी, सो कोविड के कारण काफ़ी vulnerability introduced ho chuki si in our some of our homeless serving situations and usse vich main bahut hi zyada busy rahi si ji and if you like I can start there by all means by all means I mean our I'm sure our viewers would like to know more haan ji haan ji ne jive main keh rahi si ke kafi vaddi ministry hegi hai par jadon premier ne public state of emergency announce kiti si in mid march उसी वेले असी $60 million की फंडिंग भी अनाउंस की, सो $25 million फॉर होमलेस शेल्टर्स, $5 million फॉर वुमेन्स शेल्टर्स। इसका कारण यह सी कि जिहड़ी साडी होमलेस पॉपुलेशन हैगी आ इट्स वेरी वेरी वल्नरेबल, देयर इज पीपल हू हैव मेंटल हेल्थ एडिक्शंस, देयर आर पीपल हू हैव ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नीड्स, तो सानू बहुत ही ज़्यादा फिक्र सी कि कोविड बहुत ही जल्दी तरह फैल सकता है होमलेस पॉपुलेशन, इस करके एकदम असी $25 million की फंडिंग सारे शेल्टर जो सूबे है उन्होंने असी भेज दी सी प्रोविंस वाइड क्योंकि बड़ी लोड सी टू हैव सर्च कैपैसिटी, सो असी दो तीन होर शेल्टर असी खोले सके कैलगरी एडमिंटन भी सोशल डिस्टेंसिंग के कारण है ना, नहीं तो इन अ कॉन्ग्रीगेट सेटिंग सारे इकट्ठे होंगे, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वी हैड टू मेक श्योर एवरीबडी हैड स्पेस।
ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਕੈਪਟ ਮੀ ਬਿਜ਼ੀ ਫਾਰ ਮੰਥਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕੈਪਟ ਯੂ ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ $60 million ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ $30 million ਫੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਡ ਜੀ They serve people with disabilities, they serve people who suffer from domestic violence, they serve people who are senior citizens. Oh, jede sari organizations hege ne, ona vaste meri ministry ne funding ditti si. So, ithe Calgary vich panch che organizations hege ne, khas karke in the Northeast, jinnu funding mili si. ਐਂਡ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਨੀਡ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਲਪਡ ਵਲਨਰੇਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੂ ਆਰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਐਟ ਹੋਮ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਐਟ ਸਮ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਡ ਐਨ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਘਰ ਸੀਗੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੂ ਨੀਡਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਹੈਲਪ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਮੋਸਟ ਸੋ ਫਰੋਮ ਮਾਈਸੈਲਫ ਪਰਸਨਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬਟ I am also understanding of what our community's needs are. Yes, yes. And that is a huge thing. That is a huge thing because compassion alone cannot achieve everything. You have to know the problem or you have to know what you're dealing with. I couldn't agree more with you. Minister Sahiba, is vele jehdi ek cheez bahut important hai aur isi sare as citizens of the province ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਰੀਲੌਂਚ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰੀਲੌਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰੀਲੌਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੀਲੌਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰੀਲੌਂਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਰੀਲੌਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ the minister of economic trade and development minister Tanya Fur on an announcement kiti si ki small businesses nu thodi ji rent relief bhi milegi ta is to ilawa as everybody knows asi ye bhi announcement kiti si ki places of worship bhi khulenge with no capacity limits and places like swimming pools and gyms ke yani mainu puchhe gyms kadon khulenge cuz
इन दिस पैंडेमिक टाइम सारे है ना थोड़े जे तंग हो गए काले पै गए वे असं एक्सरसाइज करना चाहते हैं. सो ये सारिया चीज़ा फेस टू रीलॉन्च विच शुरू हो चुकी एंड इस तों इलावा साडा ध्यान एकनोमिक स्टिमुलेशन वल भी हैगा पर उस बारे हुण अनाउंसमेंट की सी मिनिस्टर फॉर जिवें मैं कह रही थी पर अगों भी हुण अनाउंसमेंट्स आनगियां सरकार वालों. So we'll stay tuned for that. We need to stay tuned. There's more coming. There's more coming. अच्छा. ते तुहाडी ministry इहदे विच relaunch दे विच की role play कर रही है? मेरी ministry हुण relaunch विच वैसे social services दे emphasis दे रही है. हुण relaunch विच मेरा घट role हैगा. The economic ministries उहनां दा ज़्यादा role हैगा. पर हुण सानू ये भी पता है शकील साहब के जिहड़ियां साडियां सोशल प्रॉब्लम्स हैगियां काफ़ी सारिया उन्होंने हुण वध जाणियां हैगियां. असीं जाणदे हैगियां दैट द रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस विल इनक्रीज एंड इस पैंडेमिक विच जदों सारे घर सीगे पीपल वर ड्रिंकिंग अ लॉट मोर देयर इज़ गोइंग टू बी सम मेंटल हेल्थ इशूज. सो इसे बारे मैं अपने कॉलीग नाल मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शंस असीं हमेशा असीं गल करदे हां असीं होर सारियां किस तरह दी सपोर्ट्स दे सकदे हां टू द पब्लिक. सो मेरी हुण एक सब तो वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी ये है कि जेहड़े साडे वल्नरेबल वासी हैगे आर वल्नरेबल एल्बर्टन्स दे उहनां दा ध्यान रखना हैगा एंड टू मेक श्योर आई एम क्रिएटिंग प्रोग्राम्स एंड मेकिंग श्योर दैट वी आर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपरली. बिल्कुल ठीक. ए तुसीं बड़ी कीमती गल सानूं दसी और जितों तकर विद योर काइंड परमिशन मैं इत्थे फील करना वा कि थोड़ा बहुता मैं तुहानूं एज मिनिस्टर तुहानूं मैं तुहाडी अटेंशन इस पासे दवावां कि सर्बकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी जिहड़ी है वह अपनी हम्बल कपैसिटी दे विच की कर रही है. तुहानूं पता ही है कि सर्बकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी पिछले 10 साल तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की और इन पर्टिकुलर और परफॉर्मिंग आर्ट्स इन जनरल दी सेवा कर रही है, खिदमत कर रही है, इनू प्रोपोगेट कर रही है और प्रमोट कर रही है और 10 साल दे सफर इच बहुत अगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ड्यू टू द कमिटमेंट सर्बकाल बहुत अगे आई है. इस वेले सर्बकाल एवर सिंस दिस कोरोना इशू स्टार्टेड सर्बकाल लाइव सैशंस कर रहा है ऑनलाइन. वो जिहड़ा एक एंटरटेनमेंट का एस्पैक्ट है लोगों नूं लोगों का दिल परचा के रखने का एस्पैक्ट है वो सर्बकाल ने जारी रखा होया. असी पहले किसी वेन्यू ते करदे सी हुण वेन्यू नहीं है असी यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ दिस थिंग ते असी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस जिहड़ी है उहनूं इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी सानूं अप्रीसीएशन भी मिल रही है बड़ी फॉलोइंग भी मिल रही है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. इस वेले मारवाड़ फेस्टिवल चल रहा है राइट नाउ दीज डेज जिहड़ा जोधपुर राजस्थान दे विच ओल्ड फोर्ट दे विच चल रहा है जिहड़ा कि सर्बकाल वी प्रेजेंट कर रही है और उहदे बाद जिहड़े आर्टिस्ट इंडिया दे विच पाकिस्तान दे विच किधरे भी जिहड़े लॉकड अप ने बिकॉज ऑफ कोविड अगैन उन्हां नूं ना सिर्फ है कि वेन्यू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट टू शोकेस देयर टैलेंट एंड नॉट ओनली दिस और शायद एक बहुत घट लोगों को पता होएगा कि सर्बकाल उन्हां आर्टिस्ट की फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है सिटिंग हेयर इन कैनेडा. सर्बकाल उन्हां नूं वेरेवर दे आर इन व्हाटएवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी हम्बल सर्बकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी कर सकती है वो कर रही है. सो दिस इज़ द रोल वी आर प्लेइंग. यंग बच्चों नू प्रमोट किया जा रहा है सितार फेस्टिवल तबला फेस्टिवल 8-day फेस्टिवल्स होल्ड किए जा रहे हैं. इट्स ऑल ऑनलाइन और सिर्फ है कि वो स्टैगनेशन ना रहे वो बोर्डम फ्रस्ट्रेशन ना होवे और बच्चों भी एक एवेन्यू मिले अपने आप नू एक्सप्रेस करन दा देखण वालियां नूं भी एक अच्छा कॉन्टेंट मिले अपना वक्त गुजारन दे वास्ते. सो दिस इज सर्बकाल हम्बल रोल इन ऑल दिस. वेल थैंक यू शकील साहब तुसीं बहुत ही वधिया तरह तुसीं डिस्क्रिप्शन दित्ती. हुण मेरे मन विच भी 3-4 गल्लां आईयां जदों तुसीं बोल रहे सीगे क्योंकि ये भी एक किस्म दी सोशल सर्विस हैगी
क्योंकि सानू पता है जिवें मैं कह रही सी कि एक आइसोलेशन दे कारण कोरोना वायरस दे कारण काफ़ी सारी डिप्रेशन रेट्स भी वधदियां हैगियां एंड जदों तुसीं म्यूजिक डांस कल्चर एनीथिंग आर्टिस्टिक जदों तुसीं इस बारे तुसीं ध्यान दिंदे आ अपने आप मन थोड़ा जिहा हल्का हो जांदा है ते खुश हो जांदे आ एंड मैनूं पता है विच शायद वेल मे बी आई एम ओवर जनरलाइजिंग हियर बट कई बार साडियां कम्यूनिटीज विच असीं आर्ट वल असीं बहुत ही घट एम्फेसिस दिंदे आ असीं अपने बच्चे ने कहने भी तुसीं पढ़ो तुसीं इंजीनियर बनो बनो डॉक्टर बनो टीचर बनो व्हाटएवर असीं इस तरह कदे नहीं कहने भी तुसीं थोड़ा जिहा टाइम लगाओ एंड लर्न एन इंस्ट्रूमेंट तुसीं संगीत सीखो शब्द सीखो लर्न पोएट्री इस वाल असीं बहुत ही घट ध्यान दिंदे आ बट इट्स रोंग वी शुड बी इनकरेजिंग वेल बैलेंस्ड चिल्ड्रन हू ऑल्सो इनगेज इन आर्ट्स एंड कल्चर सो ऑल्सो मैनूं बड़ा माण हैगा है कि सर्वकाल ने बच्चों ने सपोर्ट की इस टाइम पे बहुत शुक्रिया खास करके बच्चे अक्रॉस द वर्ल्ड इन अदर कंट्रीज पाकिस्तान तुसी उसे बारे गल कर रहे थे एंड चिल्ड्रन इन नीड आई एम सो प्राउड ऑफ सर्वकाल फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रेमेंडस वर्क नॉट जस्ट फॉर अल्बर्टन्स फॉर पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ओह वेल ऑन बिहाफ ऑफ सर्वकाल आई से थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन इट्स माय प्लेजर थैंक यू टू सर्वकाल और ए मैं आई कुडंट एग्री मोर असीं अपने बच्चों नूं कोई भी पेरेंट अपने बच्चे नूं बड़े हाई मकाम ते देखना चाहता उच्चे मकाम ते देखना चाहता लेकिन असीं उस नूं सिर्फ अकेडेमिक्स दे नाल अटैच कर दिंदे आ कि मेरे बेटे नूं इंजीनियरिंग करनी चाहिए तो बड़ा हाई क्लास इंजीनियर होना चाहिए वकील होना चाहिए तो कमाल का वकील होना चाहिए उहदे नाल इह वी जरूरत है ये चीज़ बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स आई एम अ पेरेंट माई सैल्फ कि क्या मेरे बच्चे नूं अच्छा इंसान भी होना चाहिए और वो अच्छा इंसान किस तरह बनेगा वो अच्छा इंसान किसी भी नाजुक चीज़ नू सीखने दे नाल कोई भी क्रिएटिविटी दी सेंस उहदे विच पैदा होवेगी बिकॉज माई फर्म बिलीफ इज़ कि क्रिएटिव आदमी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता द क्रिएटिविटी विद इन हिम सेल्फ प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग सो या आई थिंक यू ट्रू आई थिंक आई एग्री विद दैट इस बारे में इस तरह कदम सोचिया नहीं है पर जिहड़ा आदमी बंदा हूएवर जिहड़ा क्रिएटिव होवे यू आर फोर्स टू थिंक इन अ डिफरेंट वे एंड यू आर फोर्स टू थिंक अबाउट अदर पीपल जी एंड यू आर फोर्स टू बी जिवें तुसीं पहले कहिंदे सी यू आर फोर्स टू बी कंपैशनेट जी एंड सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन आर्ट्स एंड कल्चर सो बहुत अच्छी बात है साडे वास्ते और इत्थों दी सोसाइटी दे वास्ते साडे वास्ते बड़ा ये बड़ी एनकरेजिंग चीज़ है तुहाडे नाल गुफ्तगू अज पहली दफा गुफ्तगू हो रही मेरी भी तुहाडे नाल एंड इट इज इनडीड माई प्लेजर और तुहाडे ख्यालात सुन के कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਈ ਪਲੇ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਦ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅੱਛਾ ਬਟ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਪੀਆਨੋ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ ਸਰਬਕਾਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਦੇਅਰ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡਿਲਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵ ਬਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰਵ ਬਾਲਸ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇ ਲੁੱਕ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਦੇ ਲੁੱਕ ਟੂ ਮੀ ਫੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਫੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦ 70s ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਮੀ ਹੂ ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਮੀ ਹੂ ਸਪੋਕ ਲਾਈਕ ਮੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਯੰਗ ਗਰਲ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਡੀਪ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ
myself for getting here, but I'm also proud of all the trailblazers who opened doors for me to come here. Excellent. I didn't come here by myself. There are many people ahead of me who opened these doors so that I could get here. And I'm sure you're in your capacity right now, you're doing the same for people following behind you. I am definitely doing it. I'm doing it intentionally. Main isse bare bahut sochdi haan ki hun main I'm in a station that's very important, but agon jehde bacche hun gahan agon aange unna vaste main ki kar sakdi haan to make things a little bit easier to help guide them. And I do have to say one thing, Shakil sahab, jehde bacche sade northeast southeast Calgary vichon aunde hege jehde agge aunde haan, best in class. Wow. Top of the top. Wow. I would hire anybody at any time who graduated from Nelson Mandela High School. Wow. Or for any of the schools in these neighborhoods, because these kids are so smart and so hardworking. Wow. And sound values. Wow. Wow. Or tusi, you actually took the words right out of my mouth. Oh, did I? I was going to bring you to this. Lekin main ede vich ek question zarur tuhanu present karanga. Oh hai ki with these sentiments, mm-hmm. where do you see jede sade immigrants de bacche ne unna nu tusi kithe dekhde ho future vich? Unna de future badi bright hai ji. It's very bright, kyunki jede newcomers itthe aunde ha pehla itthe aana koi aasan kam nahi hega. You really have to have something inside you to leave your home and to come to a new country to start afresh, hai na? So jede parents newcomers hege unne de values bade acche hege, and jede bacche, the children who grow up in those households, they already have the foundations. But main keh sakdi ha ve harek taraf harek pasiyo mehnat karni pendi hai. There's no substitute for hard work. I say that to my own children all the time as well. So the future is bright. I would say just keep your eyes on the goal and don't forget to put in the blood, sweat and tears, because that's what it takes. Very nice. Very nice. That's a good message. Alberta di gal kariye. Alberta da future tusi ki dekh rahe ho in your capacity? As a resident of Alberta yourself Anji. And as a minister. Yeah, I know these are testing times, and it's a very tough question. Haanji, I'm sure. Haanji, bahut hi aukhi kadi vich lang rahe hege ha, and main hamesha isse bare gal kar rahi ha. Do teen cheeza hege ha. Ek ta saadi je assi achhi future dekh rahe ha Alberta vaste, it depends on economic recovery. And assi hun dekh rahe ha ki unemployment rates double digits vich pahunch chuke hai gaya. Unfortunately. And sarkar walon assi eh koshish kar rahe ha ki jehdi saadi fiscal environment hai gaya assi thodi ji mazboot banaiye. Assi corporate tax rates vi kata dete si pichle saal. Is ton ilawa assi is tarah di investment climate paida karna chahunde ha ki jehde investors hai gaya internationally or across the country, wo ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਜੋਬਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਐਲਬਰਟਾ। ਜੋਬਸ ਨਾਲ ਵੈਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟਸ ਡਾਊਨ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਮੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੈਨ ਦੇਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ the economy. So this is from economic revitalization wal assi bahut dhyan de rahe haan, and mushkil time hai ga par assi koshish kar rahe haan apne walon. Dooji gal hai ya from the social services side, jive main pehle keh rahi si ke kafi sari hun problems already hai gaya ne, mental health crisis ta pehla vi hai ga siga par hun jyade vadh jayega, hun us wal assi dhyan de rahe hai gaya. And meri ministry di kafi badi role hai gaya is samay in taking care of vulnerable Albertans. Eh main tode nal is cheez nu zarur share karanga ki jehda vulnerable sector hai, it is for my own personal reasons, it's very close to my heart. Is that right? Ji te eh tode kolon eh gal sun ke te it's very reassuring to know that people in this predicament
are not on their own. They're no, going to be looked after. They will be looked after. And Shakeel Sahib, saryan di koi kahani hai. Everybody has somebody in their life who's vulnerable. Haji. And hamesha to jadon assi pehla assi sworn in hoye si when we first won the election, assi us vele assi kiya si ke our priority is making sure that Albertans are taken care of. Ji. So we know hon health vich vi assi budget flat rakhi si but the pandemic they got in, I mean obviously the budget has increased. Ji. We announced an extra $500 million, but you know I'm sure it's going to go beyond that. And in my ministry as well, because unemployment rates are going to be going up, I'll have to have training programs for people to get back to work. So bilkul theek, bilkul theek, bahut achhi baat. Minister sahiba, tusi disabilities de bare gal kiti, disability program de bare gal kiti, jehdi facilities provide kitiya ja rahe ne, main tonu request karanga ki thoda ede te elaborate karoge please, sanu kuch hor mazid ede bare dassoge please. Bilkul ji, hun meri ministry vich sade tin disability programs hege ne. One is AISH de bare ta sare janne hege, so well known program. Dooja program hega persons with developmental disabilities. Ji. So jede sade Albertans hege jede 18 saalan to jade hege, they're over 18, unna vaste disability supports hai. And Tija program hega FSCD, it's called Family Services for Children with Disabilities. Achha. And a program, it's close to my heart. Kyunki assi bachiyan bare gal kar rahe hain, children who have disabilities. And saadi budget hege almost $230 million for this program. Achha. And isse bare main bahut sochdi rehndi hain kyunki hun assi dekh rahe hain, pata nahi kyun kisi nu nahi pata hega ve jehdiyan the rate of disability is increasing in society. Assim dekhde hange ki jehde bacche jinhan nu attention deficit disorder hega oh vi numbers vadhi ja rahe hege. We are seeing more children on the autism spectrum as well. Ji. And is karke main is program bare main je mainu koi bhi milda hai isse bare main gal kardi hain, because I want to raise some awareness of this, khas karke je parents hege jinhan nu thodi ji help chahidi hege with their children who have disabilities. They should look into this program. So pandemic the time te bada mushkil siga families vaste, kyunki jadon bacche pehla bahar jande hunde si treatment vaste oh sari facility khatam ho gayi si. So bacche bechare vi ghar sige, parents vi ghar sige. So assi apne valo assi badi koshish kiti to create flexibility in their contracts to make it easier for families. Hun as a economy khul rahi hai, society vi khul rahi hai, मैं इस बच्चियों वाल मैं काफ़ी सारे ध्यान रखूंगी. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. कॉन्वर्सेशन द एंड ते मैं चाहवांगा कि तुसी तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी अल्बर्टा दे वास्ते अल्बर्टन्स दे वास्ते कोई मैसेज अगर देना चाहो तो बड़ी मेहरबानी होएगी. थैंक यू शकील साहब. एंड अखीर विच मैं यही कहना चाहनी हाँ, कोविड बारे मैं गल करना चाहनी हाँ कि हजे भी COVID-19 का खतरा है इन आवर कम्यूनिटीज. एंड साड़ी सारियां दी जिम्मेवारी हैगी है कि असी अपना ध्यान भी रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, तो कम्यूनिटी का. सो तुसी वैबसाइट साड़ी गवर्नमेंट वैबसाइट ते तुसी जा सकते हैं. प्लीज़ डाउनलोड द अल्बर्टा ट्रेस टुगेदर ऐप. इट्स ऑन www.alberta.ca/COVID-19. तो इसके नाल नाल असी एसिम्टोमैटिक टेस्टिंग भी शुरू कर दी है इन द प्रोविंस. इस बारे तुसी साड़ी वैबसाइट पर भी जा सकते हैं टू फाइंड आउट वेयर द लोकेशंस आर. बट एसिम्टोमैटिक टेस्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जे तुसी बीमार नहीं है यू कैन स्टिल गैट दिस टेस्टिंग डन. सो दैट्स माई ओनली मैसेज एट द एंड, दैट एवरीबडी जस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड बी वेरी वेरी केयरफुल. स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, वी स्टिल हैव टू बी वेरी केयरफुल due to COVID-19. Thank you. Ji, Minister Sahiba, bahut acha message tuhanda aur bahut shukriya. Aur dosto ede naal hi aaj di is mulaqat nu khatam karange, lekin main itthe jande jande tuhade naal eh zarur mention kar deyanga ki jehda portfolio Rajansani Sahiba hold karde ne, eh koi asaan nahi hega. Ede thalle kai cheezan ne जिन्हां नूं लुक आफ्टर करना पैंदा है, जिहदे वास्ते बड़ी मेहनत और मुशक्कत करनी पैंदी है, जिन्हां हर चीज़ का ध्यान रखना पैंदा है. सो इस पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर जिहड़े हुंदे ने वो बहुत ज़्यादा मसरूफ हुंदे ने, ते इस गल दी बेस दे उत्ते मैं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करांगा कि तुसीं अज्ज सानूं वक्त दिता
और साढ़े नाल अपने ख्यालात शेयर किए और बड़े ही इनफॉर्मल माहौल दे विच साढ़े नाल गुफ्तगू की। तुहाडी मिनिस्ट्री दे बारे कुछ पता चलिया, तुहाडी शख्सियत दे बारे कुछ पता चलिया और उम्मीद है वे कि जिन्ना कंपैशन तुसी रखते हो, जिन्नी अच्छी ख्यालात तुसी रखते हो अपनी मिनिस्ट्री नू और अल्बर्टा इन जनरल नू, तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छी तरह सर्व करोगे और साढ़े वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा आसानियाँ अल्बर्टा दे रहण वालियां दे वास्ते होणगियां। दोस्तों, इहदे नाल ही तुहाडा बहुत शुक्रिया। टिल नैक्सट टाइम, थैंक यू।